please subscribe and press the bell icon for more content. हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा एडोबी फोटोशॉप के अंदर किस तरीके से प्रिंटेबल आईडी कार्ड डिजाइन करते हैं। सब कुछ प्रोसेस आज के इस ट्यूटोरियल्स के अंदर स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहिए, अंत तक चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक जरूर कर लीजिए। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास फोटोशॉप का वर्जन CC 2020 है। अगर आपके पास जो भी वर्जन का फोटोशॉप है भी, तो आप इजीली यहाँ पर किसी भी तरीके का डिजाइन वगैरह क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहले दोस्तों, आपको यहाँ पर आईडी कार्ड डिजाइन क्रिएट करने के लिए पेज का साइज क्रिएट करना बहुत ही जरूरी है। तो उसके लिए दोस्तों, आपको जाना है फाइल के पर में, सिंपली आपको न्यू टैब के अंदर क्लिक करना है। आप चाहे तो कंट्रोल एन प्रेस करते हुए भी न्यू पेज बना सकते हो। जस्ट आपको यहाँ पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आपको साइज देना है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर प्रेजेंट डिटेल, यानी कि मैं यहाँ पर एक नाम दूंगा, सिंपली यहाँ पर आईडी कार्ड इस तरीके से टाइप करूँगा। और दोस्तों, आपको इंचेस के ऊपर में काम करना है। इसलिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक साइज बना कर रखा हूँ। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो 2.1 इंचेस का वेट इंचेस के अंदर होना चाहिए। और दोस्तों, हाइट आपको 3.4 इंचेस। और दोस्तों, रेजोल्यूशन आपको 300 रखना है। उसके बाद दोस्तों, आपको कलर मोड RGB रखना है। आप चाहे तो यहाँ पर कलर मोड का बीट 8 बीट, 16 बीट, 32 बीट, जो भी आप चाहे तो बना सकते हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों, मैं यहाँ पर 8 बीट रख रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर बैकग्राउंड कंटेंट वाइट ही रखना है। जस्ट आपको यहाँ पर क्रिएट कवर क्लिक करना है। ध्यान रखें दोस्तों, वेट 2.1 इंचेस और हाइट 3.4 इंचेस। जस्ट आपको क्रिएट करने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आईडी कार्ड के लिए यहाँ पर प्रॉपरली पेज रेडी होकर आ चुका है। अब आपको दोस्तों क्या करना है, सिंपल आपको दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले काम आपको शेप क्रिएट करना है। उसके लिए दोस्तों, आपको जाना है एक रेक्टेंगल टूल के अंदर। यहाँ से दोस्तों आप लोग देख सकते हो, रेक्टेंगल टूल के अंदर क्लिक करते हुए आपको दोस्तों यहाँ पर क्लिक करते हुए इस तरीके से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेना है। ध्यान से देखिए, आपको भी बारीकी से इसी तरीके से ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ से कलर इसको क्रिएट चेंज कर सकते हैं। जस्ट आप यहाँ पर क्लिक करते हुए, फिलहाल के लिए दोस्तों यहाँ पर मैं कलर पिकर के ऊपर में जाकर थोड़ा सा डार्क ग्रीन जैसा कुछ इस तरीके का एक यहाँ पर कलर पिक करते हुए ओके कर दूंगा। आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर मैंने इसको कलर ग्रीन कर चुका हूँ। अब दोस्तों, मैं यहाँ पर सिंपल इस वाले शेप्स को कंट्रोल टी करते हुए यहाँ से दोस्तों ये वाला पॉइंट को कंट्रोल होल्ड करते हुए इस तरीके से ऊपर की तरफ रखूँगा। और दोस्तों, इसको थोड़ा सा नीचे जस्ट इसको क्लिक करते हुए अब मैं दोस्तों यहाँ पर एक और शेप्स इसी बेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्रिएट करना चाह रहा हूँ। जस्ट इसको यहाँ से ये वाला रूलर निकालते हुए दोस्तों, मैं यहाँ पर एक शेप्स क्रिएट करना चाहूँगा पेन टूल्स के अकॉर्डिंग। आप लोग देख सकते हो यहाँ से दोस्तों, इसको थोड़ा सा इधर से और नीचे से इस तरीके से, आप चाहे तो यहाँ पर इसको इधर की तरफ से इस तरीके से प्लेस करते हुए यहाँ पर पेन टूल से यूज कर सकते हो। इसको दोस्तों डबल क्लिक करते हुए यहाँ से दोस्तों, आपको ग्रीन थोड़ा सा डार्क या फिर लाइट ग्रीन कुछ इस तरीके का ग्रीन आपको यहाँ पर चूज करना है। आप लोग देख सकते हो, दिखने में भी कितना प्यारा लुक निकल कर आ चुका है। जस्ट ये वाला शेप्स का आपको इसको नीचे करते हुए यहाँ पर प्लेसमेंट कर देना है। करने को दोस्तों, आप चाहे इसको आउटलाइन वगैरह जो भी देना चाहते हो तो वो देख सकते हो, बट मैं दोस्तों इसको यहाँ पर एक स्ट्रोक देना चाहूँगा। आप चाहे तो इसको ड्रॉप शैडो या फिर स्ट्रोक जो भी बोल सकते हो आप लोग दे सकते हो। जस्ट यहाँ से मैं दोस्तों स्ट्रोक का कलर सिंपली येलो टाइप का इस तरीके का एक कलर यहाँ पर फिलअप कर दूंगा। जस्ट इसको 9 या फिर 10 के आसपास इसको देकर ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ से स्ट्रोक भी कम्प्लीटली लगकर तैयार हो चुका है। इस तरीके से दोस्तों एक डिजाइन थोड़ा सा यहाँ पर क्रिएट होकर आ चुका है। अब आपको दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर नीचे की तरफ भी एक डिजाइन क्रिएट करना है। जस्ट आपको इस तरीके के एक शेप्स क्रिएट करते हुए प्लेसमेंट करना है। जस्ट इसको भी डबल क्लिक करते हुए ये वाला कलर यहाँ पर क्लिक करते हुए, यहाँ पर कलर पिकर के ऊपर में जाकर इसको क्लिक करते हुए ओके करते हुए जस्ट आपको यहाँ पर इस तरीके से कलर फिल करते हुए यूज कर सकते हो। दोस्तों देख सकते हो कितना प्यारे तरीके से ऊपर और नीचे को काम यहाँ पर कम्प्लीटली हो चुका है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, एक फोटोज इंसर्ट करने के लिए आपको शेप क्रिएट करना है। आप चाहे तो ओवल के अंदर भी फोटो यूज कर सकते हो, आप चाहे तो दोस्तों यहाँ पर रेक्टेंगल के अंदर भी फोटो यूज कर सकते हो। जस्ट मैं यहाँ पर राइट क्लिक करते हुए इलिप्स टूल यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो, इसको मैं इलिप्स टूल यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। जस्ट इसको क्लिक करते हुए दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से शिफ्ट होल्ड करते हुए यहाँ पर एग्जैक्टली इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। ड्रॉ करने के बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हो, मूव टूल से इसको मैं कंट्रोल ए करते हुए यहाँ से इसके अलाइजमेंट सेंटर कर रहा हूँ। सेंटर करने के बाद दोस्तों देख सकते हो कितना प्यारे तरीके से शेप्स क्रिएट होकर आ चुका है। जस्ट इसको आपको यहाँ से व्हाइट कलर एक बार फिल कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करते हुए
स्ट्रोक, यहाँ से दोस्तों आपको स्ट्रोक्स के ऊपर में क्लिक करते हुए स्ट्रोक आपको देना है दोस्तों, ये वाला ही कलर आपको स्ट्रोक के ऊपर में देना है। जस्ट आपको साइज आपको कम करना है, मे बी आप 5 या फिर 6 के आसपास इसको करते हुए ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पर कंपनी डिटेल या फिर आप चाहे तो स्कूल के लिए आईडी कार्ड डिजाइन क्रिएट कर रहे तो आप यहाँ पर डिटेल्स वगैरह आप फिलअप कर सकते हो। चाहे तो इसको थोड़ा सा और छोटा इस तरीके से आप लोग देना चाहते हो तो यहाँ से भी सब कुछ काम थोड़ा सा कर सकते हो, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं। जस्ट आप इसको थोड़ा सा और बड़ा करना चाहते हो तो यहाँ से भी बड़ा कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर डिटेल्स यूज़ करने के लिए जस्ट मैं यहाँ पर वर्ड यहाँ से एक इमेजेस यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, देख सकते हो ढेर सारे मेरे पास इमेजेस है। जस्ट ये वाला अगर सेलेक्ट करते हुए फोटोशॉप के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए यहाँ पर लेकर आऊँगा और जस्ट कंट्रोल ए कंट्रोल सी, यहाँ से कंट्रोल वी करते हुए यहाँ पर इसको मैं प्लेसमेंट कर रहा हूँ दोस्तों। देख सकते हो अब मैंने कंपनी के डिटेल्स कम्प्लीटली यहाँ पर इस तरीके से प्लेसमेंट ईजिली कर चुका हूँ। आप शायद इसको ये वाला को ग्लोरी का कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, येलो या फिर ब्लू दोस्तों देख सकते हो, इतना भी यहाँ पर ठीक ठाक लग रहा है। जस्ट यहाँ पर मैं सेकेंडरी का टेक्स्ट को थोड़ा सा कलर चेंज करना चाहूँगा, आप चाहे तो यहाँ पर टाइप भी कर सकते हो, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं। जस्ट यहाँ पर मैं इसको क्लिक करते हुए इमेज के ऊपर में जाकर एडजस्टमेंट के ऊपर में जाकर कलर बैलेंस के ऊपर में यहाँ पर क्लिक करते हुए कलर बैलेंस जस्ट इसको यहाँ पर ब्लू वाले कलर को मैं जस्ट इसको यहाँ से थोड़ा सा कलर चेंजेस कर दूँगा, ब्लू कलर का थोड़ा सा चेंजेस कर दूँगा। इस तरीके से आप लोग देख सकते हो थोड़ा सा कलर में यहाँ पर चेंजेस कर चुका हूँ। इस तरीके से आप लोग देख लीजिए कितना प्यारे तरीके से कलर में चेंजेस हो चुका है। अब आपके दोस्तों जो भी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर है वो टाइप करने के जस्ट टेक्स्ट टूल सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करते हुए इस तरीके से आपको यहाँ पर फॉन्ट देना है दोस्तों। कैलिब्री आपको फॉन्ट सेलेक्ट करना है, कैलिब्री लाइट फॉन्ट, थोड़ा सा पतला फॉन्ट आपको होना चाहिए। तो यहाँ से आपको फॉन्ट साइज छोटा करते हुए यहाँ से दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर टाइप करना है, RGZD स्पेस रजिस्ट्रेशन नंबर जस्ट इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर टाइप करना है जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर वही टाइप करना है, जैसे कि यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ 004/01/08 कुछ इस तरीके से। एक यहाँ पर डमी रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने यहाँ पर टाइप किया, जस्ट इसको सेलेक्ट कर दें यहाँ पर प्लेस कर दें। इसको दोस्तों व्हाइट कलर इस तरीके से प्लेस कर दूंगा देख सकते हो, और इसको थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों अब मैं यहाँ पर इसको कंपनी डिटेल्स वगैरह तो हो चुका है, आप चाहे तो एड्रेस वगैरह कंपनी का या फिर लोगों का इसको रख सकते हो। जैसे इसको ऑल्ट होल्ड करते इस तरीके से कॉपी करते हुए यहाँ पर आपको इसको देकर नेम वगैरह चेंज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैं इसको तो दोस्तों कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर टेक्स्ट टाइप किया है। जस्ट इसको मैं थोड़ा सा एडिट कर दूंगा, आप लोग देख सकते हो। जस्ट इसको कंट्रोल टी होल्ड करते हुए ऑल्ट होल्ड करते इस तरीके से थोड़ा सा साइज यहाँ पर मैं बड़ा करते इसको प्लेसमेंट कर दूंगा दोस्तों। देख सकते हो कम्प्लीटली यहाँ पर डिटेल्स टाइप हो चुका, आप शायद इसको थोड़ा सा और ऊपर वगैरह यहाँ से रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको टाइप करना है स्टूडेंट आईडी कार्ड या फिर आप शायद जो भी नेम टाइप करना चाहते हो वो कर सकते हो। मैं यहाँ पर सिंपली रेक्टेंगल टेप सेलेक्ट करते हैं इस तरीके से, यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ करते हुए इसको मूव टूल से यहाँ पर इसको सेलेक्ट करते हुए दोस्तों यहाँ पर मैं इस टाइम रेड कलर देना चाहूँगा, ताकि दिखने में भी सुंदर सा एक प्यारा सा अच्छा सा रिजल्ट आपको यहाँ पर देखने मिले। जस्ट इस टाइप का रेड दूंगा, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों इसको क्लिक करते हुए यहाँ पर दोस्तों मैं इसको राउंडेड इसको करना चाहूँगा, इसको कंट्रोल ए करते हुए यहाँ से इसको सेंटर करते हुए रख दूंगा, और दोस्तों यहाँ पर इसको राउंड करूँगा तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर मैं 50x के आसपास कर दूंगा इसको, और ये वाला को भी मुझे यहाँ पर 50x के आसपास करते हुए इस टाइप का यहाँ पर मैं राउंड कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ स्टूडेंट आईडी कार्ड, जस्ट यहाँ पर मैं क्लिक करते हुए टाइप कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसको कॉलर फिलअप करते हुए इस टाइम ये वाला एक दे दूंगा, और यहाँ पर टाइप करूँगा स्टूडेंट आईडी कार्ड। जस्ट इसको सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर मैं इसको फॉन्ट सेलेक्ट करूँगा इम्पैक्ट फॉन्ट, आप लोग देख सकते हो। इसको मुझे ये फॉन्ट ज़्यादा बोल्ड लगता है तो इसलिए ये फॉन्ट ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसको अपर कैस कर दूंगा, और दोस्तों यहाँ से फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा करते हुए मे बी 16 या फिर 14 जस्ट इसको क्लिक करते हुए यहाँ पर इसको प्लेस करते हुए इसको दोस्तों व्हाइट कलर का फिलअप करते हुए यहाँ पर इसको फिल करूँगा। आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा तरीके से यहाँ पर टेक्स्ट इजीली आ चुका है, इसको आपको थोड़ा सा बड़ा कर दो इस तरीके से यहाँ पर मैनेज वगैरह इजीली करते हुए यूज़ कर सकते हो दोस्तों। देख सकते हो कम्प्लीटली इतना तक यहाँ पर काम इजीली हो चुका है आईडी कार्ड की तरफ। और दोस्तों मैं यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स का डिटेल्स है यहाँ पर अप्लाई करूँगा, उससे पहले दोस्तों यहाँ पर एक इमेजेस अप्लाई करना चाहूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं डी ड्राइव के ऊपर जाकर एक स्टूडेंट का इमेजेस यूज़ करूँगा, जस्ट इसको या फिर ये वाला को जस्ट क्लिक करते हुए आपको अप्लाई करना है। जस्ट मैं इसको क्लिक करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए
फोटोशॉप के अंदर यहाँ पर लेकर आऊँगा। जस्ट इसको इसके ऊपर होना चाहिए ये वाला लोगो, ये वाला पिक्चर्स, ये वाला शेप्स के ऊपर होना चाहिए। जस्ट इसको राइट क्लिक करते हुए क्रिएट क्लिपिंग मार्क्स कर देना है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो। क्रिएट क्लिपिंग मार्क्स करने के बाद आप लोग इजीली यहाँ पर यूज़ हो चुका है। जस्ट इसको ऑल्ट होल्ड करते हुए इस तरीके से आपको यहाँ पर प्लेसमेंट कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो कितना प्यारा तरीके से यहाँ पर ये इमेजेस सेट हो चुका है। जस्ट ये दोनों का आपको ये और ये शेप्स दोनों को कंट्रोल ही करते हुए मार्क्स कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो कितना प्यारा तरीके से लुक आ चुका है। जस्ट आप चाहे तो इसको और यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रोक वाइट वगैरह देना चाहते हो तो यहाँ से थोड़ा सा छोटा करते हुए वाइट स्ट्रोक आप लोग यहाँ पर दे सकते हो, दिखने में भी और सुंदर सा एक प्यारा सा लुक लगता है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर डिटेल्स टाइप करने के लिए जस्ट टेक्स्ट टूल में जाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको टाइप करना है कैलिब्री फॉन्ट, कैलिब्री रेगुलर फॉन्ट सेलेक्ट करूँगा टाइप इस टाइप का, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर क्लिक करते हुए फटाफट दोस्तों यहाँ पर डिटेल्स टाइप करूँगा, जैसे कि मैं यहाँ पर इसको 10 का आसपास फॉन्ट देगा। तो यहाँ पर मैं इसको कलर फिलहाल के लिए थोड़ा सा ब्लू टाइप्स का, ब्लूइश टाइप का इस तरीके का ये कलर फिल करते हुए यहाँ पर यूज़ करूँगा। जैसे कि सबसे पहले नेम कैप्स लॉक्स के ऊपर मैं आप चाहे तो टाइप कर सकता हूँ, मुझे दोस्तों कैप्स लॉक्स नहीं चाहिए। जस्ट मैं इसको क्लिक करते हुए यहाँ पर नेम इस तरीके से टाइप करते हुए थोड़ा सा टैप बटन प्रेस करते हुए नेम इसको सेलेक्ट ऑल करते हुए यहाँ से दोस्तों पैराग्राफ राइट अलाइनमेंट, और दोस्तों आपको यहाँ से मूव टूल के ऊपर क्लिक करते हुए यहाँ पर आपको इस तरीके से अप्लाई करते हुए यहाँ से दोस्तों आपको सिंपली एंटर बटन प्रेस करते हुए यहाँ पर टाइप कर लीजिए क्लास। तो दोस्तों देख सकते हैं इतना तक मैंने टाइप किया। जस्ट मैं इसको यहाँ पर अलाइनमेंट कम करूँगा, यहाँ से दोस्तों नॉर्मल ऑटो कर दूँगा। ऑटो करने के बाद दोस्तों यहाँ से इसको यहाँ पर अप्लाई कर दूँगा, और दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा फॉन्ट और छोटा करूँगा, मे बी 8 के आसपास करूँगा, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फिर से इंटर करते हुए यहाँ पर टाइप करूँगा फादर्स नेम। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर डेट ऑफ इशू, तो यहाँ पर दोस्तों मैं इसको वन टाइम इंटर करते हुए यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ टाइप कर दूंगा, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये फादर्स नेम नहीं चाहिए, और दोस्तों यहाँ पर आपको टाइप करना है डेट ऑफ इशू, तो इस तरीके से डेट ऑफ इशू, और दोस्तों आपको यहाँ पर टाइप करना है वैलिड कुछ इस तरीके से, आप लोग देख सकते हो। कम्प्लीटली इतना तक यहाँ पर काम हो चुका है, जस्ट इस तरीके से काम करना है। उसके बाद दोस्तों ऑल्ट और शिफ्ट होल्ड करते हुए इसको यहाँ पर क्लिक करते हुए इसको यहाँ पर सेलेक्ट करते हुए कंट्रोल ए करते हुए सेलेक्ट करते हुए पैराग्राफ लिफ्ट करना है। लिफ्ट करने के बाद दोस्तों आपको इसको शिफ्ट होल्ड करते हुए इधर की तरफ इस तरीके से प्लेसमेंट करना है, और इस सभी को इस तरीके से सेलेक्ट करते हुए यहाँ से दोस्तों आपको एग्जैक्टली सेंटर की तरफ रखना है। रखने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो भी डिटेल्स आपको यहाँ पर टाइप करना है फटाफट आप लोग टाइप कर सकते हैं। जैसे कि नेम में यहाँ पर मैं टाइप करना हूँ, तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर मैंने नेम टाइप किया, इसको मैं यहाँ पर टाइप करूँगा क्लास 9, और उसके बाद एड्रेस टाइप करूँगा, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर टाइप करूँगा डेट ऑफ बर्थ जैसे कि। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है सेक्शन ए, और दोस्तों ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, जैसे कि इस तरीके से मैं एग्जांपल के लिए टाइप कर रहा हूँ, और इंटर। यहाँ पर डेट ऑफ इशू सेम यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो कंट्रोल सी कॉपी, और दोस्तों यहाँ पर मैं कंट्रोल वी पेस्ट, इंटर, कंट्रोल वी पेस्ट, कुछ इस तरीके से दोस्तों देख सकते हो। कम्प्लीटली यहाँ पर डिटेल्स, स्टूडेंट का डिटेल्स मैंने यहाँ पर टाइप करके रेडी कर दूंगा। दोस्तों इसको मैं थोड़ा सा इधर करते हुए यहाँ पर इस तरीके से प्लेसमेंट कर दूंगा, आप लोग देख सकते हो। कम्प्लीटली स्टूडेंट का डिटेल्स यहाँ पर टाइप होकर आ चुका है। आप चाहे तो इसको थोड़ा सा मैनेज वगैरह करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर दोस्तों अब मैं यहाँ पर टाइप करूँगा ऑथोराइज सिग्नेचर, जस्ट इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखते हुए यहाँ पर टाइप करूँगा ऑथोराइज सिग्नेचर, जस्ट इसको यहाँ पर ये वाला टाइप करते हुए इस तरीके से मैंने यहाँ पर ऑथोराइज सिग्नेचर टाइप किया। जस्ट इसको यहाँ पर थोड़ा सा फॉन्ट साइज छोटा करूँगा, मे बी 6 के आसपास, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं इसको ऑल्ट होल्ड करते हुए इसको सेलेक्ट करते हुए अंडर स्कोर इस तरीके से टाइप कर दूंगा, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ऑटोमेटिकली लाइन क्रिएट होकर ईजिली आ चुका है। आपको इसको थोड़ा सा इस तरीके से मैनेज कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो लाइन भी कम्प्लीटली क्रिएट होकर आ चुका है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर इसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर आपको इसको ऑल्ट होल्ड करते हुए जस्ट आपको यहाँ पर कॉपी करते हुए यहाँ पर आपको टाइप करना है वेबसाइट स्कूल का, जैसे कि www, कुछ इस तरीके से। दोस्तों मैंने यहाँ पर वेबसाइट भी टाइप किया, जस्ट इसको वाइट कलर कर दूंगा, ओके कंट्रोल ए, अलाइनमेंट यहाँ से दोस्तों सेंटर कर दूंगा, कंट्रोल डी, यहाँ से दोस्तों थोड़ा सा ऊपर इस तरीके से मैनेज करते हुए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा तरीके से कम्प्लीटली एक यहाँ पर स्टूडेंट का आईडी कार्ड डिज़ाइन क्रिएट होकर आ चुका है दोस्तों फोटोशॉप के अंदर। जस्ट इसको थोड़ा सा नीचे कर दूंगा, और दोस्तों यहाँ पर आप चाहे तो इसको थोड़ा सा स्ट्रोक से मैनेज कर सकते हो, यहाँ पर आप लोग वाइट स्ट्रोक का थोड़ा सा मैनेज करते इसको डिज़ाइन में कुछ चेंजेस कर सकते हो इस तरीके से। दोस्तों देख सकते हो कितना प्यारा लुक यहाँ पर
निकल कर आ चुका है आईडी कार्ड के डिजाइन। तो इस तरीके से आप भी फोटोशॉप के अंदर इजीली आईडी कार्ड डिजाइन क्रिएट कर सकते हो, इसका प्रिंट कर सकते हो, जो भी करना चाहते हो इजीली कर सकते हो। तो दोस्तों आप लोगों का आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो पर किसी नए टॉपिक के ऊपर में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।